आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एकदम टेस्टी यम्मी डिलीशियस रस से भरी हुई रस भरी बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखने में बिल्कुल गुलाब जामुन की तरह लगती है और खाने में भी इसका टेस्ट बिल्कुल गुलाब जामुन की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा सेब का इसमें डिफरेंस है। ये तो हल्की सी फ्लैट होती है और रस भरी यानी कि इसका नाम ही रस भरी है, तो सोचिए रस से इसमें कितना भरा हुआ होगा। और बनाना इसको इतना ज़्यादा सिंपल है कि आसानी से आप इसे घर पर बना सकते हैं। रस भरी बिना किसी मैदा के, बिना किसी मावा के आज हम बनाने वाले हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। रस भरी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक चम्मच घी लेंगे। घी के पिघलने के बाद यहाँ मैंने आधा कप बारीक सूजी ली है। यहाँ हमने बारीक सूजी ही यूज़ करनी है। अगर आपके पास बारीक सूजी नहीं है तो आप मोटे वाली सूजी भी ले सकते हैं, उसको मिक्सी में चलाकर बारीक कर सकते हैं। इसे हमें 3 से 4 मिनट तक पकाना है। देखिए मैंने इसको 3 से 4 मिनट रोस्ट कर लिया है अच्छे से, इसमें थोड़ी थोड़ी खुशबू आने लगी है। इसी स्टेज पर हम इसमें 3/4 कप दूध डालेंगे, यानी कि आधा कप हमने सूजी ली है और उसमें हम 3/4 कप इसमें दूध डालेंगे और दूध को हमें थोड़ा थोड़ा करके ही मिक्स करना है, नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ सकती हैं। इसको मिलाते हुए ही हमें दूध को अच्छे से मिक्स करना है, ऐसे बिल्कुल चम्मच से चलाते हुए। ये सूजी थोड़ी सी देर में ही दूध को एब्जॉर्ब कर लेगी। देखिए इसने दूध को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है और ये बिल्कुल जैसे आटा लगाते हैं हम, ऐसे इकट्ठा होने लगेगी बिल्कुल आटे की तरह। चलिए अब गैस को बंद कर लेते हैं और इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे ठंडा करने के लिए। देखिए मैंने इसको ठंडा करने के लिए बर्तन में निकाल लिया है, इसको आप ढक के रख दीजिए थोड़ी देर के लिए। तब तक हम चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 कप चीनी ली है और 1 कप ही पानी, यानी कि जितनी हम चीनी लेंगे सेम उसी क्वांटिटी का हमने पानी यहाँ लेना है और इसकी हम एक चाशनी बना लेंगे। देखिए चाशनी में उबाल आ गया है। अब इसमें आधी छोटी चम्मच हम इलायची पाउडर डाल लेंगे। इलायची पाउडर की जगह आप केसर भी डाल सकते हैं या आप कोई भी एसेंस जो खुशबूदार एसेंस होता है वो जो आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। चलिए इसे हम पका लेंगे और गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर ही हमें 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से पकाना है। देखिए 2 से 3 मिनट इसको चलाते हुए हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। चाशनी में हमें कोई भी तार नहीं बनाना है, ये बिल्कुल चिपचिपी या चिकनी हमारी चाशनी होनी चाहिए, जैसे शहद होता है बिल्कुल ऐसे ही। चलिए चाशनी बनकर तैयार है, इसे हम ठंडा कर लेते हैं। देखिए मिश्रण भी हमारा हल्का सा ठंडा हो गया है, ये हल्का हल्का गर्म है। अब इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए मसल लेंगे। इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर डाल लिया है, 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ मैदा लिया है, 1/4 छोटी चम्मच इसमें खाने वाला सोडा डालेंगे यानी बेकिंग सोडा। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, 1 से 2 मिनट इसे हम मसल लेंगे। अब मैंने यहाँ 1/4 छोटी चम्मच इलायची पाउडर लिया है और 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें दूध डाल लिया है और इसको हम 2 से 3 मिनट अच्छे से मसल मसल कर चिकना कर लेंगे। देखिए मिश्रण बिल्कुल चिकना हो गया है। अब इसमें से थोड़ा सा मिश्रण लेंगे हम ऐसे दबाते हुए इसको, और हथेली पर ऐसे गोल करेंगे, बिल्कुल अच्छे से गोल बनाना है हमें और इसमें एक भी क्रैक नहीं होने चाहिए, और इसको हथेली से ऐसे दबा देंगे। गुलाब जामुन गोल बनते हैं लेकिन इसको हम थोड़ा सा फ्लैट बनाएंगे ऐसे हथेली से दबाकर, और इसमें कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए, हमें इसका ध्यान रखना है। ऐसे ही तैयार कर लेंगे। एक और मैं दिखा रही हूँ आपको, ऐसे लेंगे थोड़ा सा और इसको दबा के हथेली से गोल करेंगे
बिल्कुल हल्के हाथों से गोल करना है, कोई भी इसमें क्रैक नहीं होना चाहिए। और ऐसे दबा के हम इसको फ्लैट कर लेंगे, ऐसे ही हम सारे तैयार कर लेंगे। देखिए मैंने तैयार कर लिए हैं, अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए तेल मैंने गरम कर लिया है और गैस की फ्लेम को हम यहाँ मीडियम रखेंगे, मीडियम से कम ही रखेंगे, यानी कि हमें लो ही रखना है, तेल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, क्योंकि जब हम इनको फ्राई करेंगे तो ये अंदर तक अच्छे से पके होने चाहिए। तो उसके लिए हमें तेल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम गर्म ही रखना है, हमें मीडियम फ्लेम पर ही रखना है। तेल में डालने के तुरंत बाद हमें इन्हें टच नहीं करना है, जब इसमें हल्का सा कलर आने लगे तो हम इनको चम्मच की सहायता से पलट लेंगे। ऐसे चम्मच से चलाते हुए हम इन्हें इधर उधर कर लेंगे, अच्छे से फ्राई करेंगे। देखिए अगर आपको डार्क कलर चाहिए तो आप थोड़े से और फ्राई कर सकते हैं, अगर आपको लाइट चाहिए तो आप इसी स्टेज पर इन्हें निकाल सकते हैं। जब तक ये फ्राई हो रहे हैं इसमें और डाल लेते हैं थोड़े से। और डाल लेंगे हम, ज़्यादा हमें नहीं डालने हैं, तीन से चार हम और डाल लेते हैं। और इन्हें भी हमें डालने के तुरंत बाद बिल्कुल भी टच नहीं करना है, हल्का सा जब इसमें कलर आ जाएगा तब हम इनको पलट लेंगे और अच्छे से चलाते हुए इनको फ्राई कर लेंगे। देखिए इनका कलर, अब हम जो पहले हमने डाल लिए थे उनको निकाल लेंगे। और निकालने के तुरंत बाद हमें इनमें इनको चाशनी में नहीं डालना है, इनको थोड़ी देर के लिए, एक से दो मिनट के लिए हमें प्लेट में ही रख लेना है। और इसमें गर्म चाशनी का हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, जो गर्म चाशनी थी हमारी उसको बिल्कुल ठंडा करने के बाद ही हमें इसमें इसको डालना है अच्छे से, और 10 मिनट के लिए रख लेना है। रसभरी को मैंने करीब करीब 10 मिनट के लिए चाशनी में डुबो कर रख लिया था और ये बहुत ही अच्छी बिल्कुल रस से भरी हुई बनकर तैयार हुई है। आप ऐसे बना सकते हैं, इसको बनाना इतना ज़्यादा सिंपल है, इसमें ना ज़्यादा मैदा का यूज़ किया है ना किसी मावा का यूज़ किया है, बहुत ही सिंपल तरीके से बिल्कुल सूजी से ही हमने इसको बना के तैयार किया है। आप भी ऐसे ही बना सकते हैं। और आज की ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर चलिए मैं एक बार इसको कट करके दिखा देती हूँ। देखिए कट करने से ही पता चल रहा है कितनी सॉफ्ट बनी है, वाओ, एकदम सॉफ्ट हमारी रसभरी बनकर तैयार हुई है। और आप देख पा रहे होंगे ये अंदर से बिल्कुल भी कच्ची नहीं है, अंदर तक इसमें चाशनी भरी हुई है, एकदम सॉफ्ट है ये, आप खाएंगे तो एकदम मुंह में घुल जाएगी, ऐसी रसभरी बनकर तैयार हुई। देखिए अंदर तक इसमें चाशनी अच्छे से चली गई है, बहुत ही सॉफ्ट यम्मी और टेस्टी ये रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए और आप बना के देखिए आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।